This session is being recorded, and this is Sir Sibo Rahman. I'm a professional English language and IELTS instructor, and I welcome all of you on this platform. And this is almost 15 to 30 minute session, and in this session, I will guide you about professional spoken English online course, and I will let you know about the every session that how we conduct every session and what are the benefits of joining each session. If you are new on this platform and especially on my channel, so you must like it, subscribe, and then press on bell icon. As I upload my sessions on my YouTube channel, you will be able to see there as well. Some students normally comment that you are charging too much, आप बहुत ज्यादा फीस ले रहे हैं, हम अफोर्ड नहीं कर सकते. तो शायद आपने कभी जिंदगी में किसी एकेडमी का चक्कर नहीं लगाया. मेरे पास अभी एक बच्ची शेखुपुरा से आई थी, कहने लगी सर वहां पर 1 महीने की फीस 10,000 रुपये चार्ज करते हैं, सिखाते कुछ भी नहीं है. लैंग्वेज कोर्स कराची जैसे शहर में आप चले जाइए, आज 5,000 रुपये महीना चार्ज करते हैं. 2 घंटे की क्लास होती है, 2 टीचर्स शायद आपको मिल जाते हैं, और उसके बाद आप घर वापस आ जाती हैं. फिर दोबारा आप वहां जाने के लिए कभी भी नहीं सोचेंगी, क्योंकि अगले दिन ही आप दोबारा जाएंगे. ये फिजिकल क्लासेस का ट्रेंड होता है, जो हम लोग जाते हैं 2 घंटे के लिए पे करते हैं, तो 2 घंटे की क्लासेस ही हमें मिलती है. आज के सेशन में मैं बाय द एंड ऑफ द सेशन एक कोड आपसे मैं शेयर करने जा रहा हूँ. अगर आप चाहते हैं कि सर के साथ 2 दिन आपको डेमो क्लास मिले, यानी थर्सडे और फ्राइडे, और मेरा लेक्चर 1 है कल, मोस्ट प्रोबेबली सुबह में भी होगा, दोपहर में भी होगा, रात में भी होगा, तीनों टाइमिंग्स पर सेम लेक्चर होता है. आप किसी भी एक टाइम पर मेरी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, थर्सडे को भी होगा और फ्राइडे को भी होगा. आप सैटरडे और संडे तक अपनी फीस सबमिट करवा सकते हैं. अगर तो आपको लगता है कि आप ये फी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, प्रेस कर लें बेल आइकॉन को. जैसे ही मेरे कल के और परसों के लेक्चर्स अपलोड होंगे, आपके पास नोटिफिकेशंस आ जाएंगे. मेरे YouTube के ऊपर आपको मेरे तमाम ग्रामर के लेक्चर्स नजर आएंगे, लेकिन जो और सेशंस हम लोग ऑफर करते हैं, वो आपको YouTube के ऊपर नजर नहीं आएंगे. याद रखें, YouTube के जो चैनल पे अगर आप अभी जाते हैं, तो आपको मेरा पूरा कोर्स मिल जाएगा. लेक्चर 1 to 20 अपलोड हुए हुए हैं. लोग मुझसे पूछते हैं, भाई आप ऐसा क्यों करते हैं, फिर लोग आपको ज्वाइन क्यों करेंगे. आज भी मेरे पास इस वक्त 200-250 बच्चे पढ़ रहे हैं. क्यों? क्योंकि YouTube does not help you to speak in English. YouTube improves your knowledge. YouTube gives you awareness, improves your data, gives you very informative things. लेकिन याद रखें, आपका जो जबान का ताला है ना, वो YouTube नहीं तोड़ सकता. YouTube does not motivate you. YouTube does not give you pleasure. YouTube does not give you motivation. YouTube does not tell your mistakes. So that's what you actually require. You need a teacher for motivation, for encouragement, for telling your mistakes, and for telling you the right and short track to improve your spoken English. अगर आप बोलना चाहते हैं, तो बेटा आप याद रखिएगा, आपको एक ऐसे सेशन का हिस्सा बनना पड़ेगा. चाहे आप फिजिकली ज्वाइन करें, चाहे आप ऑनलाइन ज्वाइन करें, याद रखें आपको एक ऐसे सेशन का हिस्सा बनना पड़ेगा जहां आप बोलें, कोई आपको सुने, किसी को आप सुने, कोई आपसे बोले. टू वे कम्युनिकेशन इज कंपल्सरी. टू वे कम्युनिकेशन इज कंपल्सरी फॉर इंप्रूविंग लैंग्वेज स्किल्स. मेरी बात समझ आ रही है बेटा आपको? आर यू गेटिंग माई वर्ड्स? दैट हाउ यू एक्चुअली स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश व्हेन यू कम्युनिकेट विद ईच अदर. जब आप एक दूसरे से बातचीत करते हैं, और ये प्लेटफॉर्म आपको अपॉर्चुनिटी देता है. अभी मैं नाम नहीं लूंगा. मैंने भी हाल ही में एक मेरे पास मैसेज आया मेरे कॉलीग का, गया एक लैंग्वेज क्लास है, आप ज्वाइन कर लें. इत्तेफाक से आ गया था, तो मैंने ज्वाइन करी. सेशन के अंदर स्टूडेंट्स की तादाद थी 346. हाउ मेनी? 346. एंड दैट वॉज अ लैंग्वेज क्लास. याद रखे, लैंग्वेज क्लास के अंदर एक आइडियल स्ट्रेंथ, जो हम फिजिकल क्लासेस पढ़ाते थे, तो 40 to 60 हमारी फिजिकल क्लासेस की स्ट्रेंथ होती थी. लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि आपकी क्लास की स्ट्रेंथ एवरेज रहे 20, नॉट मोर देन 20.
बिकॉज इफ यू आर 20 देन यू विल हैव अ चांस टू स्पीक। तो अभी रमजान के बाद बहुत ज्यादा हमारे पास लोड हुआ हुआ एडमिशंस का, तो हमारी पूरी कोशिश है कि हम विद इन अ वीक आपकी जो स्ट्रेंथ है उसको अप टू 20 कर देंगे। ग्रामर क्लास में नो प्रॉब्लम, यू हैव 20, 30, 40, 50, 60, नो प्रॉब्लम, बट इन स्पोकन क्लास एंड डिस्कशन क्लास व्हाट आई फील दैट यू शुड हैव 20, 25 पार्टिसिपेंट्स। आज मैंने देखा दोपहर में, तो अभी मेरे सामने क्लास चल रही है, 34 क्लास है, तो मुझे फील हो रहा है मैंने देख लिया आज, मैं कल भी ऑब्जर्व करूंगा इस क्लास को, परसों भी करूंगा, और मंडे से ये क्लास का सोल्यूशन हमारे पास आ जाएगा, हम इसको दो हिस्सों में तकसीम कर देंगे। तो हमारी कोशिश होती है दैट वी प्रोवाइड यू अ क्वालिटी क्लासरूम वेयर यू कैन कम्युनिकेट, ठीक है। और फिर हमारा एक ऐसा सेशन होता है, वो होता है 1-to-1 डिस्कशन, जिसके बारे में मैं भी आपको गाइड करूंगा, ठीक है बेटा। सब 4 साल अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो चुके हैं, 5 अप्रैल 2024 को हमने अपने 4 साल का सफर पूरा कर लिया है। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवा बनता गया। आई स्टार्टेड दिस प्लेटफॉर्म ऑल अलोन इन 2020। इट वॉज रमदान एंड इट वॉज कोविड एज वेल, एंड आई स्टार्टेड इट ऑल अलोन, एंड अल्हम्दुलिल्लाह टुडे ऑलमोस्ट 31 फैकल्टी मेंबर्स आर वर्किंग विद मी। 31 टीम मेंबर्स हैं मेरे जो काम कर रहे हैं इसके ऊपर, स्पोकन इंग्लिश के अंदर, आयल्स के अंदर, किड्स क्लब के अंदर, और हमारा एक साल में एक मरतबा टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स आता है जिसमें हम तकरीबन 24 टीचर्स को ट्रेन करते हैं पूरे साल में, एंड देन दे स्टार्ट देयर ओन प्लेटफॉर्म। हम 4 महीने का ट्रेनिंग सेशन देते हैं जो अभी हाल रिसेंटली स्टार्ट हुआ है। तो आप अपना पहले लैंग्वेज कोर्स मुकम्मल करें, लैंग्वेज को इम्प्रूव करें, इस काबिल हो जाएं दैट यू आर एन आउट क्लास स्पीकर, यू हैव गुड एक्सेंट, और इंतजार करें अगले साल रमजान का। रमजान के फौरन बाद हम अनाउंस करते हैं टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स, और वो टीचर्स मेरे साथ 4 महीने मेरे साथ ट्रेनिंग लेते हैं, एंड देन दे बिकम एबल, हम उनको इस काबिल बनाकर छोड़ते हैं कि वो रिस्क के हलाल पर लग जाते हैं। 24 लोगों को एक साल में अगर हम कुछ नियत मेरी यही होती है कि वो घर बैठे 50,000 रुपये कमा लें पढ़ा कर, एंड अल्हम्दुलिल्लाह वो 24 के 24 टीचर्स 50,000 रुपये कमाना शुरू कर देते हैं, दुआओं में याद रखते हैं। वो 24 टीचर्स की दुआएं हैं हर साल की, जो शायद इस प्लेटफॉर्म को रोज बरोज बेहतर बना रहा है। तो बेटा आप भी अपने लैंग्वेज स्किल्स को इम्प्रूव करें इस नियत के साथ दैट आई विल स्टार्ट माई ओन ऑनलाइन अकेडमी। इट्स नॉट दैट मच डिफिकल्ट बिकॉज इट हैज अ लॉट ऑफ डिमांड। मेरे पास रोज आना 100 लोग मुझसे रोज आना राबता करते हैं, रोज आना, एवरी डे 100 पीपल कॉन्टेक्ट मी। मैं एक अकेला आदमी हूँ, लेकिन अगर आप 24 लोग भी काम करें तो आप लोगों से भी 100 लोग राबता करेंगे। बस आपको काम करना आना चाहिए, आपको पढ़ाना आना चाहिए। यू मस्ट बी अ गुड इंग्लिश टीचर, यू मस्ट बी अ गुड सोशल मीडिया मार्केटर। आज के सेशन के आखिर में एक कोड मैं देने वाला हूँ, उस कोड को मुझसे लाजमी शेयर कीजिएगा, और वो कोड क्या होगा चलें अभी बता देते हैं। कोड अपना याद रखें और ये कोड व्हाट्सएप पे शेयर कीजिएगा, ये कोड व्हाट्सएप पे शेयर कीजिएगा। आज का कोड है, क्या है आज का कोड? ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक किसे कहते हैं? रोशन पहलू रखने वाला, ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक रोशन पहलू रखने वाला। आप ये कोड जो है मुझसे शेयर करेंगे, ऑप्टिमिस्टिक रोशन पहलू रखने वाला, व्हाट्सएप पे मुझसे शेयर कर दें। नंबर आपके पास है 0328-2209-303। तो आपको 2 दिन की डेमो क्लास मिलेगी, टाइमिंग्स आपके पास हैं 10 से 12, 3 से 5, 8 से 10, ठीक है। इस कोर्स का टोटल ड्यूरेशन है 3 मंथ्स, आप 3 महीने तक मेरे पास क्लासेस ले सकते हैं। 10 अप्रैल से 30 अप्रैल हमारी एक ऑफर चल रही है, 50% ऑफ चल रहा है, यानी कि हमारी जो 12,000 रुपये फीस होती है उस पर हमने 50% ऑफ कर दिया, 6,000 फॉर 3 मंथ्स प्लस 1,000 एडमिशन फीस। आप
7,000 सबमिट करवाते हैं और आपको क्या क्या मिलता है, आइए अपना को जरा टाइमिंग नोट कीजिएगा ताकि आपका जहन बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। ओरिएंटेशन सेशन का मकसद ये होता है कि आप बार बार मुझे व्हाट्सएप के ऊपर तंग ना करें। बहुत सारे बच्चे मुझसे रापता करते हैं तो मैं कहता हूँ ओरिएंटेशन ले लीजिए, बातें समझ आ जाएंगी। समझ आ जाए, डेमो क्लास लीजिए, सेटिस्फाई हो जाए, एडमिशन लीजिए। फॉरन पैसे जमा करवाने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। सुबह में आपकी क्लास होती है 10 से 12, दोपहर में 3 से 5, रात में 8 से 10, ये आपके कंपलसरी सेशंस होते हैं। आप इनमें से कोई सा भी जो एक सेशन ले सकते हैं। सर अगर मैं 2-4 घंटे पढ़ना चाहूँ, मतलब मैं थोड़ी थोड़ी कमजोर हूँ सर, आई वॉन्ट टू अटेंड 2 सेशंस, मैं चाहती हूँ मैं सुबह में 10 से 12 पढ़ लूँ, दोपहर में मेरे पास टाइम नहीं होता, मैं रात में भी पढ़ना चाह रही हूँ, तो मैं 8 से 10 अगर पढ़ लूँ, आइडियल बेटा आइडियल। आप जो चीज 6 महीने में सीखने वाली है आप 3 महीने में सीख सकती हैं अगर आप अपने एफर्ट्स को डबल करते। आपको मैं हकीकत बता रहा हूं कि अगर आप फिजिकल एकेडमी में जाती हैं, सर ने 16 साल फिजिकल एकेडमी में पढ़ाया और जब 2020 में बच्चे आ रहे थे पढ़ने, अब कसम से 6 महीने में कोई लैंग्वेज नहीं, अंग्रेजी नहीं बोल रहा था, सब मोबाइल फोन में लगे हुए थे, सबको सेल्फियां लेना होती थी बस। पढ़ने तो बहुत कम ही बच्चे आते थे और जो आते थे वो पढ़ नहीं पाते थे क्योंकि कोई पढ़ने वाला होता नहीं था, माहौल इतना खराब हो गया था। अब माहौल की तरफ से आप बेफिक्र हो जाए, फॉर फीमेल्स ओनली, तो यू हैव अ वेरी पीसफुल एंड हेल्दी इन्वायरमेंट हियर, यू विल ऑलवेज बी लर्निंग, राइट। तो आपके पास सुबह में 2 घंटे हैं, आपके पास टाइम है, ज्वाइन करें, दोपहर में 2 घंटे ज्वाइन करें, रात में 2 घंटे ज्वाइन कर लें। आपने अगर जिंदगी के 6 घंटे रोज आना यहाँ दे दिए, 1 महीने बाद आपसे मैं पूछूंगा बताइए Have you improved your English? And you will definitely say, Sir, I have started speaking English. अंग्रेजी बोलना शुरू कर देंगे। सही और गलत की बात नहीं कर रहा, सही अंग्रेजी बोलने के लिए हमारे पास नॉलेज का होना जरूरी है। 1 महीने में आपके पास बेसिक नॉलेज आ जाती है। सर बेसिक मुझे आती है, मुझे मत कहा करें, बेसिक आती है। 20 साल में मैंने सारे स्टूडेंट्स को देखा है पाकिस्तान से, 4 साल मुझे पूरे पाकिस्तान को पढ़ाते हुए हो गए, मुझे पता है मेरे पाकिस्तान के बच्चों को क्या आता है, हमें पता है आपके स्कूल का स्टैंडर्ड। 10 साल मैंने BCom Part 1 और BCom Part 2 के स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, सो आई नो वेरी वेल। मैंने 10 साल फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर इंग्लिश पढ़ाई है कराची के अंदर, मुझे पता है मेरे बच्चों को क्या आता है। टेंसेस ताती ते वाले बस वहीं तक हमारा, मॉडल वर्ब्स तो आते ही नहीं है, कंडीशनल्स हमने पढ़े नहीं है, पैसिव जानते ही नहीं है, स्ट्रक्चर्स पता ही नहीं है, पॉजिटिव वर्ब्स ये क्या होते हैं नहीं जानते। बात समझ आ रही है बेटा? सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज वॉट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट यू मस्ट गेट फ्लुएंसी विद इन अ मंथ। 1 महीने में फ्लुएंसी पे काम करते हैं हम लोग, एक दफा फ्लुएंसी आ जाए तो फिर काम करेंगे एक्यूरेसी पर। मुझसे कोई ये नहीं कहता आई वॉन्ट टू स्पीक करेक्ट इंग्लिश, सारी लड़कियां सारे बच्चे सारे लड़के यही कहते हैं आई वॉन्ट टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। क्या फायदा ऐसी अंग्रेजी का जिसमें गलतियां भरी हुई हों। आई वॉन्ट यू टू स्पीक फ्लुएंट एंड करेक्ट इंग्लिश, लेकिन याद रखिए फ्लुएंसी पहले आएगी, एक्यूरेसी बाद में आएगी। और अपनी जिंदगी में एक अपनी लाइन को चेंज कर लीजिए, आई वॉन्ट टू स्पीक फ्लुएंट एंड करेक्ट इंग्लिश। आप सिर्फ क्या कहते हैं, आई वॉन्ट टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। भाई नो बडी विल अप्रिशिएट योर फ्लुएंसी। आपको पता है आईएलटीएस का जो एग्जाम होता है इंग्लिश का, उसमें फ्लुएंसी के मार्क्स थोड़ी नहीं होते। इफ यू आर स्पीकिंग फ्लुएंटली यू विल क्लियर योर एग्जाम, बट यू हैव प्रोनाउंसिएशन प्रॉब्लम, यू आर मिस प्रोनाउंसिंग वर्ड्स, यू आर मेकिंग एरर्स, यू आर मेकिंग मिस्टेक्स। अब आप कह रहे हैं मैं फ्लुएंट हूँ, लेकिन गलतियाँ ब्लंडर्स अपनी जगह पर हैं, ऐसी अंग्रेजी को कोई अप्रिशिएट नहीं करता। मेरी बात समझ आ रही है? तो फ्लुएंसी तो मैं आपको 7 दिन 14 दिन 21 दिन बहुत ज्यादा 1 महीना लिख लें, मार्क माय वर्ड्स लिख लें किताब पे कहीं पे, सर ने कहा था 1 महीने में फ्लुएंसी आ जाएगी, बशर्त ये के आप 2 घंटे का सेशन लाजमी लें। एक सेशन होता है 1-to-1 डिस्कशन, ये मैंने मंडे से स्टार्ट हो रहा है, मंडे से मुराद है 22 अप्रैल से पहला सेशन होगा, मैं खुद भी इस सेशन में अवेलेबल होता हूँ 1-to-1 डिस्कशन सेशन में। इसमें आपके सामने एक पार्टिसिपेंट होगा, बहुत ज्यादा 2 होंगे। अब आप सोचें अगर मैं आपको 1 घंटा दे दूं, पूरे दिन में अगर मैं आपको 1 घंटा दे दूं और 1 घंटे के अंदर मैं आपसे ये कह दूं कि भाई बोलिए,
सिर्फ बोलिए, अगर मैं आपसे कहूं बोलिए तो फिर बताइए क्या होगा। सिर्फ बोलना ही, आपको एक पार्टिसिपेंट है, 30 मिनट्स आप बोलेंगे। आप फिजिकल एकेडमी में जाइए, क्लास में 20 बच्चे हैं, आप ज्यादा से ज्यादा कितनी देर बोल रहे, आप ज्यादा से ज्यादा कितनी देर बोल रहे, 3 मिनट एक क्लास में। तो ये जो 1-to-1 डिस्कशन सेशन होते हैं ना, सबसे ज्यादा डिमांडिंग सेशन है ये। और मैं आपको एक और बात बता दूं, कोर्स मुकम्मल हो गया 3 महीने का, 1-to-1 डिस्कशन सेशन खत्म नहीं होगा। सर ऐसी बातें कर रहे हैं आप, वो जब आप ज्वाइन करेंगे मंडे से तो आपको मेरे 1 साल पुराने वाले स्टूडेंट्स भी आपको इधर नजर आएंगे, जो कोर्स अपना मुकम्मल कर चुके हैं वो इधर मौजूद। मैं उनको जाने नहीं देता हूँ, ये बस मेरी अच्छी या बुरी आदत है, क्योंकि बेटा जो 3 महीने में मेहनत करोगे वो जाया हो जाएगी अगर तुमने 1-to-1 डिस्कशन सेशन को छोड़ दिया। अगर तुमने इंग्लिश बोलना छोड़ दी, 3 महीने मेहनत करी, 3 हफ्ते बोलना छोड़ दो, प्रैक्टिस करना छोड़ दो, बर्बाद हो जाओगे। 3 हफ्ते काफी है, वापस उसी जगह पर आ जाओगे। कोड याद रखें आज का, ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है रोशन पहलू रखने वाला, रोशन पहलू रखने वाला, रोशन पहलू रखने वाला मतलब ऑप्टिमिस्टिक। ये कोड मुझसे आप व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिए, जैसे ही आप ये कोड व्हाट्सएप के ऊपर शेयर करेंगे तो याद रखें आपको 2 दिन की डेमो क्लास की एक्सेस मिल जाएगी, थर्सडे एंड फ्राइडे, सुबह में 10 से 12, दोपहर में 3 से 5 और रात में 8 से 10। और इसके साथ कल मेरी ग्रामर क्लास है, और उसके साथ आपको डिस्कशन क्लास का भी की एक्सेस मिल जाएगी। ठीक है बेटा, आ गई बात समझ? कोर्स कंटेंट आपके सामने आ गया है, टाइमिंग। अच्छा अब जरा एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, सर मैं चाहती हूँ, आई वॉन्ट समवन टू करेक्ट मी, आई वॉन्ट समवन टू रेक्टिफाई मी, मैं चाहती हूँ कि कोई मेरी गलती निकाले, तो स्पोकन क्लास आपके लिए। स्पोकन क्लास में जिस दिन आपके ग्रामर रूल्स स्टार्ट हो जाएंगे, आप याद रखिए जब आप स्पोकन क्लास में बोलेंगे और आप गलती करेंगे तो आपकी गलती को रोका जाएगा, टोका जाएगा कि बेटा ये आप गलत बोल रहे। स्पोकन क्लास उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है जो बिल्कुल अंग्रेजी नहीं बोल सकते, जो मुझसे ये कहते हैं मैं तो बोल ही नहीं सकती, नहीं बोल सकती, नो प्रॉब्लम, स्पोकन क्लास को स्किप ना करना। ग्रामर क्लास ऑलवेज गिव्स यू नॉलेज, आपकी नॉलेज ग्रामर क्लास से इम्प्रूव होगी। सर आई वॉन्ट टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, मैं क्या करूं? डिस्कशन क्लासेस लो, डिस्कशन क्लासेस गिव यू फ्लुएंसी, 1-to-1 डिस्कशन क्लासेस सेशन गिव्स यू फ्लुएंसी। सर मैं अपने एक्सेंट को इम्प्रूव करना चाहती हूँ, एक और कॉम्प्लीमेंट्री सेशन को, ये भी मंडे से स्टार्ट हो रहा है, 22 अप्रैल से पहला सेशन होगा, पहला लेक्चर होगा, प्रोनाउंसिएशन एंड एक्सेंट ट्रेनिंग सेशन विद यूएस क्वालिफाइड टीचर। इसकी 2 टाइमिंग्स होते हैं, इसके सेशन रिकॉर्ड भी होते हैं, हम आपसे शेयर भी करते हैं, 5 to 6 और रात में 10 to 11, सुबह में नहीं होती अवेलेबल ये, क्योंकि ये टीचर बेस्ड सेशन होता है। अगर मिस अवेलेबल होती है तो ये सेशन होता है, वैसे तो वो होती है अवेलेबल, लेकिन जब नहीं होती तो ये सेशन ऑफ होता है। कॉम्प्लीमेंट्री है, याद रखिए, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब समझते हैं ना, कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स कि जब अगर खत्म हो गया तो यू शुड हैव नो ऑब्जेक्शन। 1-to-1 डिस्कशन सेशन इज अ लाइफ टाइम सेशन, आपका कोर्स मुकम्मल हो जाएगा ये सेशन चलता रहेगा ऑफ एंड ऑन, हम आपको लिंक भेजते रहेंगे, आप ज्वाइन करती रहेंगे। एक दफा आप हमारे ऑफिशियल ग्रुप में ऐड हो गई तो हम आपको कभी भी उससे रिमूव नहीं करते, आप खुद लीव करना चाहें वो आपकी मर्जी। अब बताइए, 3 स्पोकन टीचर्स आपको मिलते हैं पूरे सेशन के अंदर, अभी आप जब आगे पढ़ना शुरू करेंगे, अभी आजकल मिस बुशरा की क्लास चल रही है, स्पोकन क्लास तीनों वो कंडक्ट करती हैं, ग्रामर क्लास तीनों मैं कंडक्ट करता हूँ। हाँ डिस्कशन हमने आपको 3 मुख्तलिफ टीचर्स दे दी, 5 टीचर्स हो गए, एक स्पोकन टीचर, एक ग्रामर टीचर, 3 डिस्कशन टीचर, 5, एक आपको प्रोनाउंसिएशन टीचर मिल रही है, 6 टीचर्स, एक आपको 1-to-1 डिस्कशन में फैसिलिटेटर मिलती है, 7 टीचर्स। अभी आपके पास आपके 2 ग्रामर टीचर्स आपको और ज्वाइन कर लेंगे, आगे चल के 2 स्पोकन टीचर्स आपको और ज्वाइन कर लेंगे, टोटल 10 टीचर्स की सर्विसेज आपको मिलेगी 3 महीने के अंदर, और फीस आपकी है टोटल 7,000 रुपये, 6,000 रुपये आपकी फी है, 1,000 एडमिशन फीस, 7,000 रुपये में 10 टीचर्स किस प्लेटफॉर्म पे मिलते हैं कोई पूछे तो बता दीजिएगा, SKH। अब आप मुझे बताइए, जो ये कहता है ये कोर्स महंगा है,
बेटा 2,000 रुपये महीना तुम लोगों को पड़ रहा है, 2,200 रुपये महीना, शायद 2,300 रुपये लगा लो, 2,300 रुपये और 33 रुपये है भाई, 2,300 रुपये और 33 रुपये। आपको हफ्ते में 5 दिन क्लासेस मिल रही है, मंडे टू फ्राइडे। आपको ग्रामर क्लास के रिकॉर्डेड सेशंस प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, आपको प्रोनाउंसिएशन और एक्सेंट ट्रेनिंग सेशन के रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। हर संडे को आपका वीकली टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। जो आप मेरे साथ थर्सडे और फ्राइडे पढ़ेंगे, मैं उसकी पहले एक्सरसाइज देता हूँ, आप वो सॉल्व करते हैं। अगर लेक्चर मिस हो जाता है तो आप उस लेक्चर को रिपीट करते हैं रिकॉर्डेड सेशन की मदद से। तो सैटरडे को आप एक्सरसाइजेस को सॉल्व करते हैं और संडे को आप टेस्ट देते हैं। उससे आपका एहतसाब होता रहता है कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। ठीक है, मैंने सारी बातें बहुत अच्छे से बता दी है। 15 अप्रैल से हमारा पहला बैच स्टार्ट हुआ है। इसका पहला ग्रामर का लेक्चर मेरा कल है, यानी कि कल है 18, 18 और 19 अप्रैल। आपने अगर कोड शेयर कर दिया है तो आपको एक ग्रुप में ऐड कर दूंगा। उस कोड की मदद से आप मेरे 2 दिन के डेमो सेशन अटेंड कर सकते हैं, सुबह में 10 से 12, दोपहर में 3 से 5, रात में 8 से 10। तीनों टाइमिंग्स में मेरा सेशन होगा, तीनों टाइमिंग्स पर सेम कंटेंट होगा, तीनों टाइमिंग्स पर लेक्चर रिकॉर्ड होगा, कोई एक लेक्चर आपसे शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, नोट्स भी आपको ग्रुप के अंदर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सर, डू यू प्रोवाइड एनी सर्टिफिकेट? बिल्कुल, आपको सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। बस जब कोर्स मुकम्मल होता है, पीडीएफ फॉर्म में मिलता है, आप जाकर इसका प्रिंट आउट निकलवा लें, सजा कर रखें। आपकी जबान पर जब अंग्रेजी के अल्फाज होते हैं ना, नोबडी आस्क फॉर सर्टिफिकेट, जस्ट गो एंड गिव एन इंटरव्यू। इफ यू आर गुड इनाफ, इफ यू कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, नोबडी विल आस्क फॉर द डॉक्यूमेंट्स। ये मेरा अपनी जिंदगी का तजर्बा है। मेरे अलमारी में तकरीबन मुझे याद है कि उस 8-10 साल से पड़े हुए डॉक्यूमेंट्स आज तक नहीं निकाले, जिस दिन लाकर डिग्रियां रखी थी वो आज तक रखी हुई। नोबडी आस्क फॉर, नोबडी आस्क फॉर। इवन मेरा अभी जब कोविड में एक इंटरव्यू था कराची का टॉप क्लास का कॉलेज, दे हायर्ड मी, आई स्टार्टेड टीचिंग, दे नेवर आस्क फॉर माई डॉक्यूमेंट्स। दे जस्ट लुक एट द एक्सेलेंस, काबिलियत देखी जाती है आपकी, तो अपनी काबिलियत पे काम करें, स्किल्स पे काम करें। ठीक है, आपकी ओरिएंटेशन सेशन आपने अटेंड कर लिया है, पेमेंट मेथड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके अलावा किसी और पेमेंट मेथड को फॉलो मत कीजिएगा। वी हैव ओनली वन पेमेंट मेथड, नाम मेरा नोट कर लीजिए, ख्वाजा सीबो रहमान। लोग कहते हैं आप भाग गए पैसे लेकर, तो अल्लाह ने अकल दी है। जाइए मेरी फेसबुक पे, जाइए मुझे सर्च कीजिए ख्वाजा सीबो रहमान। जब एक इंसान की 12 साल पुरानी आप प्रोफाइल देखेंगे ना, तो फिर आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि ये फ्रॉड नहीं है। ये हकीकत है, आजकल ऑनलाइन सेशन में बहुत फ्रॉड होते हैं, हमारे साथ भी फ्रॉड हो जाते हैं। हमारे सेशन में डेमो क्लास करवा देते हैं, फीस खुद ले लेते हैं। तो भाई फीस इसी नंबर में जमा करवानी है, 6,000 प्लस 1,000 एडमिशन फीस, 7,000 फॉर 3 मंथ्स। ठीक है, लेकिन आज की ओरिएंटेशन में अब आपकी आ रही है जूम ट्रेनिंग, आ जाइए। वेन एवर यू हैव टू आस्क अ क्वेश्चन, जी सायरा, मेरे प्रोनाउंसिएशन भी नहीं सही, तो उसके लिए बस आप बेटा वो लीजिएगा ना क्लास जो मैंने आपको बताया, प्रोनाउंसिएशन सेशन मंडे से पहला लेक्चर है। मैंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया था, रोक के रखा था वो सेशन, अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ मंडे से प्रोनाउंसिएशन सेशन। मिस मरियम आपके साथ होंगी, उनके लेक्चर्स बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। लेकिन वो सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को ऑफर करते हैं जो हमारे रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स होते हैं, वरना मिस बहुत नाराज होती है। यूएस क्वालिफाइड है तो इसलिए हमें उन ख्याल रखना पड़ता है, उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस बड़ी सख्त है, लेकिन क्या करें, सबसे ज्यादा डिमांडिंग सेशन है मेरे प्लेटफॉर्म पे, सबसे ज्यादा रश वहीं पर होता है। ठीक है, चले। वेन एवर यू हैव अ क्वेश्चन, वेन एवर यू वॉन्ट टू पार्टिसिपेट इन द क्लास, यू हैव टू रेज योर हैंड, आपको अपना हैंड रेज करना पड़ेगा। विदाउट रेजिंग योर हैंड टीचर्स विल नॉट अलाउ। अच्छा, टीचर्स आपको उस सूरत में भी अलाउ नहीं करती, आपने हैंड रेस किया हुआ है, लेकिन आप जाए पार्टिसिपेंट्स में तो देखें कहीं आपका मोबाइल का नाम तो नहीं आ रहा, वरना एडमिन जो है वो आपका नाम चेंज करके, अगर मोबाइल का नाम होता है तो नेम लिख देती है और आगे क्वेश्चन मार्क बना देती है। तो देखें कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका नेम के आगे क्वेश्चन मार्क हो, तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। आप हैंड रेज भी करेंगे तो टीचर आपको किस नाम से पुकारे, रेडमी, सैमसंग है भाई, ओप्पो, आईफोन,
तो आपको अपना नाम चेंज करना है। सबसे पहले पार्टिसिपेंट्स में जाइए, देखें आपके आपका नाम के आगे क्वेश्चन मार्क तो नहीं आ रहा। आप पार्टिसिपेंट्स पे क्लिक करें, आपको 18 पार्टिसिपेंट्स नजर आ रहे होंगे। उसके आगे देखें, सबसे ऊपर देखें, फाकरा को मिल गया हैंड रेज। हैंड रेज करेंगे तो आपको टीचर अलाउ करेगी बोलने के लिए। हैंड रेज, अच्छा बहुत सारे हैंड रेज हो गए अब, लेकिन आपको मौका नहीं मिल रहा कैसे बोलें, तो उसके लिए देखें पहले तो हैंड रेस करें। अभी तक किसी ने को मिला नहीं है ऑप्शन। नीचे जाइए, रिएक्शंस का ऑप्शन नजर आएगा आपको, रिएक्शंस का ऑप्शन आपको नजर आएगा। जब आप रिएक्शंस में जाते हैं तो देखें आपको ये मिल जाता है। मिला, वेरी गुड। सुजैना को मिल गया, सबाहत को मिल गया, सिमरन मिल को मिल गया। अब देखें नेम आपका आ रहा है, लेकिन अब आप देखें नेम के आगे क्वेश्चन मार्क है। अब किस नाम से पुकारेंगे हम, मैं किस नाम से तुम्हें पुकार, क्या नाम है तुम्हारा, ठीक है ना। अब बताएं, वेरी गुड सिमरन। इतरा को भी मिल गया, अरीबा को भी मिल गया, बाकी लोगों को नहीं मिल रहा। चले मैं आपकी मदद करता हूँ, कोशिश करता हूँ मैं अपने मोबाइल फोन से आ जाऊं, ताकि आज के ओरिएंटेशन में ऐसी रिकॉर्ड करवा दूं कि आने वालों के लिए एक मिसाल बन जाए कि हाँ भाई हमें मिल गया था। वेरी गुड मरियम, मरियम को भी मिल गया, बाकी लोग अमीना लुबना, नाम नहीं चेंज हुआ, लेकिन अभी कुछ लोगों का नाम अभी तक नेम के आगे क्वेश्चन मार्क आ रहा है। एक एक नाम नहीं बदला अभी तक। नाम पार्टिसिपेंट्स में जाते हैं, मैं नाम चेंज करना भी सिखा देता हूँ। मैं आ रहा हूँ आपके पास, एक और आईडी से, अपने मोबाइल फोन से मैं लॉगिन हो रहा हूँ। तो फिर मैं आपको बिल्कुल जूम की ट्रेनिंग आपके मोबाइल फोन से आप जब देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। चलिए ये देखिए, मैंने स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, ये मैंने स्क्रीन शेयर कर दी, और जब मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ ये लीजिए, अच्छा अब आप ये देखें आपकी स्क्रीन के ऊपर मेरा मोबाइल फोन आ गया है, जिनको ऑप्शंस नहीं मिल रहा, ठीक है। अच्छा देखें ये नीचे आपके पास रिएक्शंस का ऑप्शन होता है, रिएक्शंस नजर आ रहे हैं। जैसे मैं रिएक्शंस के ऊपर क्लिक करूंगा तो आपको यहाँ पर हैंड रेस का ऑप्शन मिलेगा। तो आप जैसे हैंड रेस करेंगे तो हैंड रेस करने पर ये देखें, अब आप पार्टिसिपेंट्स में जाता हूँ तो आपको हैंड रेस का ऑप्शन, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हैंड रेस किया होगा, ये देखिए आपको नाम नजर आ रहे हैं। अच्छा अब अगर आपको अपना नाम चेंज करना है, मैं आप लोगों का नाम को भी चेंज कर सकता हूँ, वैसे सबने नाम चेंज कर लिया है। अब फॉर एग्जाम्पल आपको ये नाम चेंज करना है सबसे ऊपर टॉप पर, तो मैं टॉप पे क्लिक करूंगा तो रीनेम का ऑप्शन आ जाता है। ये देखें रीनेम का ऑप्शन आ गया, मैंने रीनेम के ऊपर क्लिक किया और मैंने फॉर एग्जाम्पल इसका नाम कर दिया SKH। तो आपके मोबाइल फोन का नाम लिखा हुआ है तो SKH। ये जूम ट्रेनिंग एक दफा आपको समझ आ गई, आपको क्लास में प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको हैंड रेस करना आना चाहिए और ये आपने हैंड रेस कर लिया, रिएक्शंस, ठीक है। अच्छा फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, अब बहुत सारे हैंड रेज आ रहे हैं मेरे पास। आज का कोड याद रखिएगा, अगर आपको 2 दिन की डेमो क्लास लेनी है मेरे साथ थर्सडे और फ्राइडे, तो आज का कोड मैंने आपसे शेयर किया है, ऑप्टिमिस्टिक, 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 आज का कोड है ऑप्टिमिस्टिक, रोशन पहलू रखने वाला। बी ऑप्टिमिस्टिक, इंशाल्लाह यू विल स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश। ये कोड मुझसे व्हाट्सएप पे शेयर कीजिएगा, यू विल गेट एक्सेस ऑफ 2 डेज डेमो क्लास। अच्छा अब आपके पास बहुत सारे हैंड रेज हैं, अभी मेरे पास 9 लोगों ने हैंड रेज किया हुआ है, मैं चाहता हूँ तमाम स्टूडेंट्स हैंड रेज करें। हैंड रेज का ऑप्शन देखें यहाँ से मिलता है, रिएक्शन में जाएंगे हैंड रेज का ऑप्शन मिल जाएगा, रेज हैंड लिखा हुआ आ रहा हूँ। वेरी गुड सायरा, वेरी गुड अमारा, वेरी गुड मरियम, अमीना वेरी गुड, अरीबा वेरी गुड, मलाली वेरी गुड, सबाहत वेरी गुड, सीमा वेरी गुड, सबने हैंड, तकरीबन 13 लोगों ने हैंड रेस कर लिया। अभी भी पता नहीं क्यों नहीं मिल रहा, क्यों नहीं हैंड रेस हो रहा, इस पे पैसे नहीं लगेंगे आपके, ये आपकी जूम ट्रेनिंग है।
अच्छा फॉर एग्जाम्पल आप चाह रही हैं कि मेरा नाम मैं बोलूं, तो देखें इसमें आपको नीचे हार्ट नजर आ रहे हैं, ये कोड वर्ड होता है, आप ये हार्ट भेज सकते हैं। अगर जैसे आपने ये हार्ट बना दिया तो टीचर को नोटिफाई हो जाता है कि किसी ने हैंड रेस के साथ मुझे एक दिल भी दे दिया है, तो आपको फौरन बोलने का मौका मिल सकता है अरीबा। अब देखिए मैंने अरीबा का नाम क्यों लिया, अरीबा का नाम हाईलाइट हो गया एकदम से मेरी स्क्रीन के ऊपर, दैट समबडी इज गिविंग मी दिस फाकरा। सो अमीना, इत्रा, दिस इज अ कोड वर्ड फॉर योर स्पोकन टीचर्स, फॉर योर डिस्कशन टीचर्स। यू हैव टू गिव दिस कोड वर्ड टू पार्टिसिपेट इन द क्लास। इफ देर आर मेनी पार्टिसिपेंट एंड यू आर नॉट गेटिंग अ चांस एंड यू वॉन्ट योर टीचर टू लुक एट यू फर्स्ट, तो आप उन्हें क्या करना है जैसा सर ने आपको बताया। ठीक है भाई, चले चैट में लिखना आना चाहिए। चैट्स आपको नजर आ रही है, चैट्स आपको नजर आनी चाहिए। देखें ये चैट होती है। अब मैं यहाँ पर, मेरे पास ऑप्शन होता है, मैं सबसे बात कर सकता हूँ। मैंने लिखा सलाम, तो जैसे मैंने सलाम लिखा अब मेरे पास जवाब आना शुरू हो जाएंगे। अच्छा मैं सबके जवाब देख सकता हूँ, आप देखेंगे, आप सबके जवाब आप नहीं देख सकते। चेक करें, वालेकुम अस्सलाम लिखें, मेरे मुझे सबके जवाब दिखेंगे अभी, क्योंकि मैंने स्क्रीन अपने मोबाइल फोन की शेयर की हुई है, तो इसलिए आपको जो है वो। अच्छा दो इसमें होस्ट हैं, तो आप ये चैट्स मेरे पास आना शुरू हो गई हैं। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। मेरे पास, मैं दो आईडी से हूँ, एक SKH और दूसरा SKH स्पोकन इंग्लिश। वालेकुम अस्सलाम, तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि SKH को से मुझे बात करनी है। तो देखें आपके पास सिलेक्शन में ये दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक SKH और एक SKH स्पोकन इंग्लिश। जरा सिलेक्ट कीजिएगा दूसरे को, जिससे आपको सलाम का ऑप्शन नाम आया है, आप उसी को सिलेक्ट करें। देखें फिर आप भेजेंगे तो आपको स्क्रीन पे नजर भी आएगा। देखता हूँ पहले कौन भेजता है। हु इज द क्विक लर्नर इन द क्लास, ये मरियम अली, यू आर अ क्विक लर्नर, अवार्ड ऑफ द डे, अवार्ड मिल गया आपको। मलाली, यू आर वेरी गुड। सायरा, एक्सेलेंट। अब देखिए मेरे पास यहाँ इस, तो कभी हमेशा याद रखिएगा आपकी क्लास में कभी कभार एक को होस्ट होता है, जो आपकी टीचर होती है जो पढ़ा रही होती है, एक होस्ट होता है, आपको अपने को होस्ट से बात करनी है, तो आप को होस्ट को सेलेक्ट करेंगे। तो देखें आपके पास सब इस बात को चेक करें और मैसेज करें इस को होस्ट को, फाकरा वेरी गुड। ये छोटी छोटी बातें आप लोग जब सीख लेते हैं ना, देन यू बिकम वेरी मच गुड एट लर्निंग, बिकॉज यू डोंट फेस एनी प्रॉब्लम। दैट्स वेरी गुड, दैट्स वाई आई ऑलवेज इन्वाइट पीपल इन ओरिएंटेशन सेशन फर्स्ट। वेरी गुड सबाहत, वेरी गुड रोमा, वेरी गुड मरियम। ठीक है, अच्छा अब देखिए आपकी जो चैट्स होती हैं वो होस्ट और को होस्ट देख सकते हैं, इसके अलावा कोई और नहीं देख सकता। ठीक है बेटा, अच्छा अब आ जाइए, अब वापस जा रहे हैं हम, मोबाइल फोन की स्क्रीन से सारे काम खत्म हो गए, अब हम जा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। अब आपके माइक ऑन हो रहे हैं, अब माइक को आप खोल कर जो है वो एक दफा सलाम कर सकते हैं। माइक की अमूमन जो एक्सेस है वो आपके पास होती है ड्यूरिंग द क्लास, क्लास के अंदर जब आप क्लास ले रहे होते हैं, तो ड्यूरिंग द क्लास यू हैव एक्सेस टू योर माइक्रोफोन। बिकॉज अगर स्पोकन क्लास में आप बोल ना सकें, हमारे जितने भी सेशंस होते हैं दे ऑल आर वेरी इंटरेक्टिव, सो दैट्स वाई वी अलाउ यू टू स्पीक इन द क्लास। अगर ये यूट्यूब का लेक्चर ही होता, ये यूट्यूब पे तो सिर्फ सुन सकते हैं, तो फिर बेटा देयर इज नो डिफरेंस। सो द डिफरेंस बिटवीन लर्निंग ऑन यूट्यूब एंड जूम इज दैट यू हैव एन एक्सेस टू माइक्रोफोन। अब आप सलाम कर सकते हैं, माइक पर टैप कीजिए, आपका माइक ऑन हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, बन गया अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम, वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, बन गया क्लास वाला माहौल। बस यही चाहिए होता है ना, जिसके लिए हम फिजिकल क्लासेस लेने जाते हैं। अब देखने के लिए फिर आपको मेकअप करना पड़ेगा, तैयार होना पड़ेगा, कपड़े स्त्री करने पड़ेंगे, 10 चीजें, उन 10 खर्चों से आप लोग बच गए। ठीक है, फिजिकल क्लासेस के लिए रोज आना, नए कपड़े, नया मेकअप, नई लिपस्टिक, 10 बात खर्चे। ऑनलाइन क्लासेस में यू डोंट हैव टू गेट वरीड। अब आप देखें, लाइक
इट्स आई व्हाट आई बिलीव, हम पाकिस्तान के अंदर अब हम लोग बहुत मसरूफ हो गए, हमारे पास टाइम नहीं है. मुझे याद है आई यूज टू टीच इन 2004, मैं 2004 में पढ़ाया करता था, 2004 से मैं पढ़ा रहा हूँ, मुझे 20 साल होने वाले हैं इंशाल्लाह. 20 साल मुझे एग्जैक्टली, आज कौन सी तारीख है, अप्रैल चल रहा है, मेरा अपॉइंटमेंट हुआ था 22 मई 2004 को, और मैंने पढ़ाना शुरू किया था 1 जून 2004 को. तो इंशाल्लाह 1 जून को हम बनाएंगे अपने 20 ईयर्स ऑफ एक्सेलेंस, और आपसे बहुत सारी बातें शेयर करेंगे कि ये 20 साल का सफर कैसा रहा, कैसे हमने फिजिकल क्लासेस से और ऑनलाइन क्लासेस तक का सफर. तो हम आपको इनवाइट करेंगे, आप पढ़ रहे होंगे उस वक्त इंशाल्लाह हमारे पास जून के अंदर भी, तो हम आपको इनवाइट करेंगे. अच्छा, तो बेटा ऑनलाइन क्लासेस के अंदर मैं कह रहा था कि ऑनलाइन क्लासेस के अंदर आपके पास इस बात की फिजिबिलिटी होती है, यू आर मेकिंग अ कप ऑफ टी, यू आर बिजी समवेयर, बट यू कैन बी अ पार्ट ऑफ द क्लास. सपोज आप क्लास में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती, ठीक है, आप खाना बना रही है ना, 3 बजे क्लास चल रही है, आप ज्वाइन कर लीजिए, लॉग इन कर लीजिए, खाना बनाती रहिए, कान में एयरपॉड्स लगा लीजिए, मोबाइल को सामने रख दीजिए, क्लास में मौजूद रहिए, सुबह 10 से 12, दोपहर में 3 से 5, रात में 8 से 10. ये कहलाता है पागलपन. लोग आपको पागल कहना शुरू कर देंगे. अगर किसी ने आपको ये कह दिया ये पागल हो गई है, जब देखो इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश, तो याद रखिएगा वही आपका लर्निंग का पहला दिन होगा. अगर किसी ने आपको ये नहीं कहा, शी हैज गॉन मैड, हमें लोग यही कहते थे, क्योंकि हम बस ड्राइवर से दुकान पर दही वाले के साथ, परचून वाले के साथ जो मिलता था उससे इंग्लिश में बात करते थे, तो कहते थे भाई इसकी बातों का बुरा मत मानो, पागल है ये. और देख लें आज वो पागल क्या कर रहे हैं, पूरे पाकिस्तान को पढ़ा रहे एक जगह बैठकर, और उसके साथ 31 लोग और पढ़ा रहे, और वो 24 लोगों को ट्रेन भी कर रहा है कि वो भी इसी तरह का पागलपन पूरे पाकिस्तान के अंदर फैला दे. तो बेटा हर चीज को सीखने के लिए पागलपन जरूरी है, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है मैडनेस. यू हैव टू गो मैड इफ यू वॉन्ट टू लर्न समथिंग. मेरी बातें आपको शायद अच्छी लग रही हो, अगर आपको मेरी बातें अच्छी लग रही है तो आपको जूम ट्रेनिंग आपकी मुकम्मल हो गई है, बस अब आपको चैट में लिखना आना चाहिए, चैट में लिखना भी आ गया माशाल्लाह, आपको माइक में बोलना भी आ गया है, आपको रिएक्शंस देना भी आ गए हैं, आपको हर चीज का पता चल गया है, बस अब आप मुझसे कोड शेयर करें, ऑप्टिमिस्टिक. कल और परसों 2 दिन डेमो क्लास लें, याद रखें आपके लिए जो डेमो क्लास होगी वो मेरा लेक्चर 1 है, मेरी पहली क्लास है, और मेरी पहली क्लास से ही आप लोग पहली और दूसरी क्लास अटेंड करेंगे, आपको नोट्स मिल जाएंगे, आपको एक्सरसाइजेस मिल जाएंगी, आपको असाइनमेंट्स मिल जाएंगे, और जो मैं पढ़ाऊंगा उसी को आप स्पोकन क्लास के अंदर प्रैक्टिस भी करेंगे. आ रही है बात समझ? और सैटरडे संडे को आपका पहला वीकली टेस्ट होगा. अपना बहुत ख्याल रखिएगा, डेमो क्लास लाजमी लीजिएगा, मंडे कल और परसों डेमो क्लास लें, सैटरडे को फीस सबमिट करवाएं, संडे को फीस सबमिट करवाएं, मंडे से आप रेगुलर इस कोर्स का हिस्सा बन जाए, ठीक है? कोई भी आपका सवाल हो, आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, मुझसे व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं आपके हर सवाल के जवाब. आपको 7,000 रुपीज सबमिट कराने होंगे, वन टाइम पेमेंट पॉलिसी होती है, 3 मंथ तक आपके पास एक्सेस रहती है. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.